अनुभव, मुझे जवाब चाहिए अभी इसी वक्त। बैठ के बात करते हैं ना। अनुभव, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? कल पूरे 200 रुपए दिए थे मैंने तुमको और अब तुम्हारा वॉलेट खाली है। डार्लिंग, वो 100 रुपए तो ठीक है, 100 रुपए तुम्हारे ऑटो के, 60 रुपए तुम्हारे टिफिन के और 20 रुपए तुम्हारे मिनरल वाटर बॉटल के, टोटल 180, बाकी 20 रुपए का मैंने भेल खा लिया था। तुमने भेल खाया मुझसे बिना पूछे? मैंने तुम्हें कॉल मिलाया था लेकिन तुम्हारा फोन नोटिफिकेशन जा रहा। तुम मैसेज कर सकते थे ना मुझको, क्यों सोचोगे मेरे बजट की? बेबी 20 रुपए ही तो थे। 20 रुपए ही थे, 20-20 करके 20,000 रुपए हो जाते हैं। पर तुम्हें क्या परवाह है, तुम नहीं सोचते हो। बेबी सुनो, तुम गलती हो गई यार, सॉरी। मेरा चटपटा खाने का मन किया, खा लिया मैंने बस। चटपटा खाने का दिल करा तुम्हारा? प्रेग्नेंट मैं हूँ और चटपटा खाने का दिल तुम्हारा किया। यहाँ की सारी गलतियाँ तुम लड़कों से क्यों होती है, हमसे क्यों नहीं होती कोई गलती? सॉरी यार, सॉरी। अनुभव तुम बदलते जा रहे हो, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो, बहुत हो गया तुम्हारा। बेबी तुम गलत समझ रही हो यार। बेबी सुनो ना, बेबी मैं क्या कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए। मैं सुबह उठ के तुम्हारे लिए बैटी बनाता हूँ, ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, ऑमलेट बनाता हूँ, डस्टिंग करता हूँ, क्लीनिंग करता हूँ, क्या कुछ नहीं करता यार मैं। तो बंद करते हो तुम मुझ पे, हर काम करते हो, हर चीज गिनाते हो तुम मुझको। बंद करो ये अनुभव, जितना करिए मेरा उतना तुम्हारा भी है। बिल्कुल है। और एक बात कहूँ, तुमसे बेटर तो वो सोनिया का हस्बैंड है, सारे काम करता बट चू तक नहीं करता। देखो बेबी, तुम्हें मुझे कहना है जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरा कंपैरिजन उस सोनिया के हस्बैंड के साथ मत करो। वो कुछ भी नहीं करता, मेरे से अच्छे कपड़े नहीं धो सकता वो, और मेरे से अच्छे कॉलर तो उसके कभी भी हो ही नहीं सकते। समझा करो यार। ये उंगली किसको दिखा रहे हो तुम? आज तुम मुझे उंगली दिखा रहे हो, कल को तुम मुझ पे हाथ भी उठा सकते हो। मिस्टर अनुभव बख्शी, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा इस चीज के लिए। बेबी तुम्हारी उंगली ऐसी जगह डाल दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं तो तुम्हें हमेशा खुश करना चाहता हूँ, तो कीप यू हैप्पी यार। हैप्पी नहीं, तुम्हें नैपी पहना दूंगी मैं एक दिन। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, बस ऐसे ही मेरे पल्ले बांध दिया। बस बहुत हो गया, तुम्हारा जो मन में आए जा रहा है वो तुम बोले जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओगे। और मेरे पेरेंट्स के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मा पापा के बीच में जाके सो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुमने शादी क्यों की मुझसे? यार कोई भी इस तरीके से बोलेगा तो अपने अंदर का मन जागेगा ना। 2 लाख कमाओ और 20 रुपए के पीछे लड़ाई करो, 1 लाख चिंदी मरे होंगे तब जाके ये पैदा हुई होगी। हो गया यार, अब खाना भी नहीं खाएगी, रोएगी पूरी रात, क्या करूं मैं? बेबी डार्लिंग, बेबी, अरे हाथ मत लगाओ तू मुझे। सुनो ना, सॉरी यार। क्या सॉरी बेबी? कितने बड़े बड़े रिश्ते आए हैं, सब ठुकरा दिए मैंने तुम्हारे पीछे, और तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। जानिए क्या बातें बोल रही हो तुम, ये सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, I love you and only you। ये सब गुस्सा छोड़ दो और अब के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। मेरा 1 लाख रुपए का बोनस आने वाला है नेक्स्ट मंथ, वो तुम सेव कर लेना, ठीक है? उसके बाद कोई ऐसी गलती नहीं होगी। हंस दो थोड़ा सा, आई लव यू डार्लिंग, आई लव। चले बाहर, चलो। अभी भी गुस्सा है? नहीं। एक स्माइल तो कर दो थोड़ी सी।
जिससे मैं तुम बहुत प्यारी लगती हो, कसम से। फायदा मत उठाओ इन सब चीजों का, ठीक है ना? जाओ जाके खाना बनाओ, मेरा सीरियल स्टार्ट होने वाला है।